पिछले दिनों ये चर्चा बड़ी जोरों से थी कि काजल राघवानी को फिल्म सदा सुहागन से निकाल दिया गया है। फिल्म लिट्टी चोखा के डायरेक्टर पराग पाटिल और प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा ने इस बात का बड़ी जोरों शोरों से अनाउंसमेंट भी कर दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अनाउंसमेंट किया तो प्रदीप के शर्मा ने किया। उन्होंने ये कह दिया कि अभी फ़िलहाल जिस तरह के टर्म कंडीशन है, मैं काजल राघवानी के साथ काम नहीं कर सकता। वजह, काजल राघवानी को फिल्म लिट्टी चोखा के लिए ग्रीन अवार्ड शो में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और काजल राघवानी इससे काफ़ी दुखी थी। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई भी प्रोड्यूसर जिस हीरोइन को साइन कर चुका है, जिस हीरोइन को अपने लिए लकी मानता है, जिस हीरोइन को ये कहता है कि मैं उसे अपने परिवार की तरह मानता हूँ, उसे सिर्फ इतनी सी छोटी बात के लिए निकाल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें कि प्रदीप के शर्मा के बैनर तले बनने वाली कई फिल्मों में खेसारी लाल यादव एज अ लीड हीरो है। अब भाई हीरो को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी नाराज़ नहीं कर सकता, वो भी खेसारी लाल यादव जैसे हीरो को, जो कि फिल्मों के लिए कड़ी मेहनत करता है और फिल्मों को सफल बनाता है। अब ऐसे में उन्हें अगर हीरोइन को रिप्लेस करना पड़ जाए तो क्या बुरा है। और इसके लिए अब इस तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं, काजल राघवानी का ये कहना है, भाई फिल्म से मुझे नहीं निकाला गया था, मैं खुद ने खुद फिल्म छोड़ी है। और अब हम ये आपको कह देते हैं, इन दोनों में से कौन सच बोल रहा आप डिसाइड कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।